शहर के अंदर कब्रिस्तान में कोरोना पेशेंट को दफनाने को लेकर विवाद होने के बाद उसे शहर के बाहर के कब्रिस्तान में ले जाया गया। वहां दफनाने के बाद हुआ विवाद खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। नेशनल हाईवे में एक्सीडेंट के बाद संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद दफनाने को लेकर हुआ विवाद खत्म। कोरोना पॉजिटिव को शहर के कब्रिस्तान में दफनाने का जमकर विरोध हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों महाराष्ट्र से यूपी के प्रतापगढ़ जाते वक्त नेशनल हाईवे 30 में चार लोग घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल चारों घायलों को घायल नसरुद्दीन के साथ इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया था। इलाज के दौरान नसरुद्दीन की मौत हो गई और नसरुद्दीन के साथ घायल तीन अन्य लोगों का इलाज अभी भी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। इसी दौरान जांच में पाया गया कि नसरुद्दीन कोरोना पॉजिटिव है। मौत के बाद नसरुद्दीन के परिजन उसे सुपुर्द खाक के लिए अपने गृह जिले प्रतापगढ़ ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। इसी दौरान शहर के मुख्य कब्रिस्तान में, जो शहर के बीच में है, प्रशासनिक अमला कब्र खोदने के लिए पहुंचा, जिसकी स्थानीय लोगों को जानकारी हुई तो उन्होंने जमकर विरोध किया। वार्ड पार्षद सहित तमाम लोग चाहते थे कि कोरोना वायरस से संक्रमित नसरुद्दीन को सुपुर्द खाक करने के लिए यह जगह माकूल नहीं है, इनको शहर के बाहर के कब्रिस्तान में ले जाना चाहिए। अंततः लोगों के विरोध के सामने प्रशासन झुका और उसको दूसरी जगह ले जाया गया। इसी के साथ बेवजह विवाद का एक शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो गया। कोरोना की थोड़ा से विवाद हो गया तो बस्ती से दूर रहे हम लोग, परसाद हम लोग मिलकर एक किनारे व्यवस्था बना के हो जाए। यहाँ हमारे वार्ड पार्षद कब्रिस्तान में उसके अंतिम दफनाने की प्रक्रिया चल रही थी। लोगों का यहाँ विरोध था कि यहाँ बस्ती है और बस्ती के नजदीक उसको नहीं दफनाया जाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।